ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र माग्रजम छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनिचरम सूर्यपुत्र शनि देव महाराज की जय ये जो मंदिर है शनि महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर है इस मंदिर का इतिहास ये है कि सत्रह सौ इकाठ में इसकी स्थापना हुई थी, थी।, थी। इस मंदिर के सर्वप्रथम पुजारी श्री केदारनाथ जी थे उसके बाद में उनके तीन बेटे हुए तीनों ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ निर्धारित की और हम इसकी सेवाएं शुरू से करते आ रहे हैं इस मंदिर को उन्नीस सौ छियानवे में हमने रजिस्टर्ड करवाया था श्री शनि मंदिर गोड़ ब्राह्मण कमेटी के नाम से उत्तर भारत का सबसे प्राचीन यही मंदिर है यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना शनि भगवान पूर्ण करते हैं हर दिन शनि महाराज का मंदिर पाँच बजे खोलते हैं साढ़े पाँच बजे आरती करते हैं और शाम को साढ़े सात बजे आरती होती है और रात को दस बजे मंदिर बंद करते हैं इस मंदिर की स्थापना के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ इस मंदिर में एक पत्थर था और उसी पत्थर की मूर्ति बनी थी उसके बाद में श्रीमान परसोत्तम जी सिंघानिया उनके पुत्र बाडमल ने मंदिर का निर्माण करवाया और जयपुर से अष्ट धातु की मूर्ति यहाँ विराजमान है यहाँ बड़े श्रद्धालु आते हैं एक जमाना था यहाँ बहुत तो ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगती थी श्रद्धालु आते थे तेल छाता इत्यादि वस्तु दान करते थे एक बार यहाँ जो आ गया सच्चे मन से उनकी हर मनोकामना शनि भगवान पूर्ण करती हर शनिवार आने है। पर मेर है सारे परिवार सुख शांति है अंदर वी साल के आ रहे हैं और हर काम अस शनिवार ही कर रहे हैं दुनिया जिसना डर दी शनिवार लोहे ला के ना

और कर्क राशि पर शनि का ढैया है जिन राशियों पर शनि का ढैया और महाराज के मंदिर में जाएं शनि चालीस का पाठ करें हवन अनुष्ठान करवाएं शनि भगवान के वैदिक मंत्र ओम शनो देवी रविष्टापु फीते रविश्रवंतु छि चराय नमो के पाठ करें तो बहुत कुछ मिलता है हर आदमी शांति मिलती है जो कुछ मंगना चाहिए बहुत प्राचीन मंदिर है घटो घट ढाई पौ तीन साल से मंदिर है इतने बहुत मेले लगते हैं भंडारे लगते हैं हम पिछे यात्रा गई है भंडारा लगा इतने पंडित जी सेवा करते हैं सारे सुख शांति मिलती है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे यही है कि शनिदेव की पूजा आराधना मन से करनी चाहिए शनि मंदिर में जाके शनि मूर्ति पर शनि भगवान को स्नान करवाना चाहिए तेल से उसके बाद में शनि भगवान को भोग लगाना चाहिए काली पुष्प चढ़ाने चाहिए काली मिठाई देनी चाहिए काला कपड़ा काला छाता काला धेनु इत्यादि वस्तु दान देकर शनि भगवान को प्रसन्न करें शनि भगवान के आराध्य देव श्री कृष्ण जी है और इनके गुरु ओम शिवशंकर भोलेनाथ है ਗੜਾ ਜਿਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਚੁਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ